नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8T वर्सेस मोटो E32S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.46 इंच जबकि E32S में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 8T में 2.98 इंच जबकि E32S में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि स्पार्क 8T से कम है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 8T में 0.35 इंच जबकि E32S में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 8T में 192 ग्राम जबकि E32S में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.6 इंचेस जबकि E32S में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 8T में 1080x2408 और E32S में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 8T में 84.5% जबकि E32S में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 8T में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि E32S में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 8T में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और E32S की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 8T में MediaTek Helio G35 और E32S में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 8T में अप टू 256GB जबकि E32S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पार्क 8T में एंड्रॉइड V11 जबकि E32S में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 8T में 4 कलर्स जबकि E32S में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8T 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। और बात करें E32S की तो वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 8T में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो E32S की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 8T आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों,
अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क गो 2020 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10S है, तीसरा ओप्पो A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।